एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना जो दिल दहला देगी आपका, और एक ऐसी घटना जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाएगी कहीं ना कहीं मुजरिमों के नजरों में कानून का डर और खौफ कम नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात से हड़कंप तो मचा, लेकिन यह संदेश बिखेरता हुआ चला गया कि कहीं न कहीं मुजरिमों के नजरों में अभी भी कानून का खौफ कम नजर आ रहा है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी आग लगाकर बेरहमी से हत्या कर देने वाली वारदात सामने आई। बलात्कारी युवक गांव के ही रहने वाले थे और पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने की बात भी कह। हमीरपुर में मझगवां थाना क्षेत्र का यह कोठा गांव है जिस घर में यह कोहराम मचा है। यहां बीती रात 17 साल की इस नाबालिग लड़की रतन कुमारी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। वारदात को अंजाम देने वाले गांव के ही दो सगे भाई सुनील और सोनू ने अंजाम दिया। लोगों को इस घटना के बारे में बताना चला, आरोपी युवकों ने रतन कुमारी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, मृतक का छोटा भाई घर में आ गया। अचानक जब इसने आरोपियों को पहचान लिया तो इसे भी मारने की कोशिश की। भाई राजू ने कैसे भी करके चिल्लाकर वहां के आम जनों को इकट्ठा किया, तब जाकर उसने वहां पर मृतक बहन को, जो जहां पर मृतक है उनको पहचान करा, और जहां पर आग लगी थी वहां पर उपस्थित हुआ। इसी पर जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, पीड़ित लड़की घर में अकेली थी, माँ बाप कहीं बाहर गए, छोटा भाई गांव में था। घर में अकेले लड़की को पाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। रतन कुमारी की शादी इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश में होनी थी, जिसके लिए घर वालों ने जेवर बनवा लिए थे और कुछ नगद पैसा भी घर में रखवाया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी जेवर और पैसा भी उठा कर लेके चले गए। परिजनों में जिनमें आरोप लगाया है उनमें सुनीता और राम व्रती थी। इसी के साथ घटना की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और देर रात ही पुलिस घटनास्थल पहुंची, शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब एक आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बात कही ये भी जा रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में कई चीजें खुलकर सामने आएंगी। हमने अपर पुलिस अधीक्षक लाल साहेब यादव से ही बात की, ये पूरी रिपोर्ट हमीरपुर से शिव शक्ति की यह रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं। हम हमारे लड़का ने बीत गया खांजा नाक कान सोनू चांदी सब बनवा लो तू पूरो फुल जेवर सेट के 10,000 रुपया आ गो हमारा 1,00,000 1,00,000 रुपया आ गो। हमारी बहू चली गई, हम हारे गए, बेचिया ले गए इसको, लड़का हमारे दरवाजा पे हम चढ़ो है भीतर। तो क्या रुपए पैसा भी ले गए? पैसा ले गए, डेरा ले गए सब। हमारे घर में कुछ नहीं बचू, हमारी बिटिया बाहर गए निंगा से। हम वापस आई तो एक लड़का राजपूत वो खड़ा था अंदर था, बाहर की लगी थी कुंदी, उसका छोटा भाई बाहर था और अंदर था, उसको जबरदस्ती चिल्ला रही थी हमारी दीदी। हम अंदर गए, खपरा कूद के अंदर गए उसके। अंदर जाते ही हमने देखा, हमने कहा यहाँ पे क्यों आया, उसने कहा कि यहाँ पे सांप मारने आए थे, सांप यहाँ पे था तो हम आए थे मारने, तो हमने वहाँ पे भगाया और हम दूरी लोग गए और कछु नहीं। फिर इसने अंदर की साँकल लगा ली और आग लग गई, दीदी की आग लगा दी। फिर आग लगाने के बाद फिर भीतर की बक्सा से सब खुली थी, बाहर का थल लगा था तारा। फिर हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमने साँकल आकर खुली, ये हमको पकड़ने लगा वो लड़का। पकड़ने के बाद हमने आवाज मारी, फिर वहाँ पे आदमी क्षेत्र का मामला है। कल दिन में 4 बजे की बात है, एक लड़की ने घर में थी, अकेली थी, उसका भाई अपने ननिहाल गया हुआ था और जब उसका भाई ननिहाल से वापस लौटा तो घर में लड़की के साथ एक गांव का एक लड़का भी मौजूद था, जिस पर लड़की के भाई के पहुँचने पर वो लड़का बाहर चला गया। दोनों के बाहर जाने के बाद लड़की द्वारा आग लगा करके आत्महत्या की घटना हुई है, जिसके संबंध में लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है। मृतका की लाश को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम में भेजा गया है। मृतका के पिता द्वारा दो लड़कों द्वारा
जो सगे भाई हैं उनके द्वारा बलात्कार करने की और उसके पश्चात इज्जत लूटने के कारण आत्महत्या किए जाने की तहरीर दी गई थी। उसी की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज किया गया है। इसमें शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। तो बताया जा रहा है लूट के इरादे से ये सब पूरी घटना को अंजाम दिया गया, सर क्या मामला? नहीं, लूट की बात बिल्कुल गलत है। गांव का ही लड़का है जो आरोपी है, इसमें पिता के द्वारा ही तहरीर दी गई है, उसमें लूट की कोई बात नहीं अंकित की गई है।